श्याम सुंदर ने खुश होकर तुम्हें अपना रूप दिया है। हो बाबा अपना रूप दिया है, बाबा अपना रूप दिया, और हमने उस रूप का दर्शन सौ सौ बार किया है। हो दर्शन हमरे संकट दूर न हो तो श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा। अरे हमरे संकट दूर न हो तो ये बदनामी थारी रे, ओ श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी। कौन कौन बाबा का महिमा गाएगा, कौन कौन, पूरे हाथ उठा लेना और जोरदार तालियां बजाकर श्याम बाबा श्याम बाबा। तालियां बजाओ ना, हमको क्या जोवन उपवन में फूल रही फुलवारी रे, हमको क्या जोवन उपवन में फूल रही फुलवारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे। ये तालियां बजाकर बाबा मेरी ला अनमोल है, तेरे सिवा कौन इसे रखेगा श्याम। बोलो तेरे सिवा कौन इसे रखेगा श्याम, तुझे तो पता ही होगा, तुझे तो पता ही होगा इसका क्या मोल है। बाबा मेरी ला अनमोल पैंतीस साल पहले की बात है, जब फागुन की ग्यारस को भी सारी रात मंदिर नहीं खुलता था, तालियां बजाना। लेकिन आलू सिंह जी महाराज जब मंदिर का पट बंद हो जाता था, बाबा के सामने अखाड़ा लगाते थे, सारी रात का कीर्तन होता था, तालियां बजाओ। 150 लोग सिर्फ होते थे, काम बनता था लोगों का। एक बार भगत जी भजन गा रहे थे अपनी मस्ती में,
एक औरत आ गई बाबा के चरणों में, आलू सिंह जी महाराज के चरणों में गिरकर सर पटकने लगी, बाबा मेरी लाज बचा लो। आलू सिंह जी महाराज ने कहा, अरे मेरे कने कहीं छे, जा बाबा कने। कहा बाबा 20 साल से बांझ बांझ सुनते सुनते मेरे कान फट गए, किसी ने बताया कि इस दरबार में काम बनता है, अगर सचमुच में उनकी बात सही है तो मेरा भी काम बना कर दो। भगत जी ने कहा मेरे पास नहीं, बाबा के पास जा। उन्होंने कहा बाबा ने नहीं सुनी, सुना है कि जब भक्त अर्जी लगाता है तो बाबा उसके बाद नहीं डाल सकता, मेरा काम बनवाना पड़ेगा। किसी तरह नहीं मानी जब, तो भगत जी ने लात मारी, जकुआ में कूच, तालियां बजाना। उस औरत ने सोचा शायद बाबा का हुक्म है, कुएं में कूदने से मेरा काम बन जाएगा। खाटू में श्याम बगीची में कुआं था, जाकर छलांग लगा दी। गांव वालों ने देखा, दौड़ते हुए आए, अरे भगत जी आपने उस औरत को क्या कह दिया, कुएं में कूद गई, जान दे देगी, पुलिस आ जाएगी, हथकड़ी लग जाएगी। सारे लोग दौड़ कर गए, कुएं में झांक कर देखा, कुएं में पानी नहीं था। दो चार लोगों को नीचे उतारा, उस औरत को बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके बाहर निकाला, हाथ पैर जोड़कर उसको घर भेजा। 10 महीने बाद वो औरत फिर बाबा के दरबार में आई, लेकिन अब के बार अकेली नहीं आई, उसकी गोदी में एक लाल खेल रहा था। अपनी आंखों से देखा, आज भी काम बनते हैं। कोई बांझ औरत बाबा के दरबार में आई, पंडित जी के पांव पकड़ लिए, पंडित जी ने बाबा के जो बागा बांधते हैं, बागा का नेफा नाड़ा, कहा ले जा नाभि के ऊपर बांध लियो, खोलना मत। उस औरत ने विश्वास करके कि सारे डॉक्टर फेल हो गए, ये डॉक्टर फेल नहीं होगा, नाभि के ऊपर बांध लिया, और फिर दरकार नहीं पड़ी। 9वें महीने बाबा ने औलाद दे दी उसको, और बाबा के दरबार में आकर माथा टेका। कम से कम 50 लोगों को मैं जानता हूं जिनका काम ऐसा बना है बाबा के दरबार। ना मैं चाहूं हीरे मोती ना चांदी तुझसा एक सलोना, ओ बाबा तुझसा एक सलोना, बाबा तुझसा एक सलोना, हमको क्या जौवन उपवन में, हमको क्या जौवन उपवन में फूल रही फुलवारी रे, हमको क्या जौवन उपवन में फूल रही फुलवारी रे, ओ श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम किसको किसको मेरे बाबा पर भरोसा है, इनकी कृपा पर भरोसा है, हाथ उठाकर तालियां बजाकर।
सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ, ये नहीं कहा सब भक्तों को बहका देंगे तेरा नाम ना लेंगे। श्याम तेरे कितने नाम पिक्चर आई थी 35-40 साल पहले, रविंद्र जैन साहब ने ये भजन बनाया। पहली बार खाटू आए थे, उनको बाबा की कृपा के बारे में नहीं पता था, लिख दिया कि जब तक आशा पूरी ना होगी सब भक्तों को बहका देंगे तेरा नाम मना लेंगे, है ना। लेकिन आज वो नहीं कहते भगत, क्योंकि भक्तों ने देख लिया हिंदुस्तान में एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां पर भीड़ का कैलकुलेशन लगाया जाए अगर परसेंटेज में, तो वर्ल्ड में किसी भी मंदिर में पिछले 30 सालों में जितने परसेंटेज में भीड़ बढ़ी है उतने परसेंटेज में कहीं नहीं बढ़ी। मैं आज भी मानता हूं कि तिरुपति बालाजी में आज 1 करोड़ भक्त आते होंगे साल में, लेकिन 30 साल पहले 10 लाख आते थे, 10 गुना बढ़ी। लेकिन 30 साल पहले शाम के दरबार में पता है कितने लोग आते थे? सिर्फ 800 से 1000। फागुन के मेले में बाबा का जो मेला भरता है, 800 से 1000 दो सिपाही होते थे, आज पता है कितने लोग आते हैं? 50 लाख लोग। 1000 का मल्टीप्लाई 10 गुना करो 10,000, 100 गुना करो 1 लाख, 1000 गुना करो 10 लाख, 5,000 गुना करो 50 लाख। और आपको बताऊं, श्याम बाबा के दरबार का रिकॉर्ड परसों टूट गया। आज तक सिर्फ फागुन की नवमी और दसवीं को रिंगस से वन वे होता था और मंडा से वन वे होता था, रिंगस से आना और मंडा होकर वापस जाना। लेकिन बाबा श्याम के इतिहास में पहली बार फागुन की नवमी दसवीं छोड़कर इस बार पहली बार ऐसा हुआ, सावन सुदी दसवीं और एकादशी को रिंगस से खाटू जाने के लिए वन वे था और 2 दिनों के अंदर में 5 लाख लोगों ने बाबा के दर्शन किए 2 दिनों में। क्योंकि पता है चौपाटी नहीं है, वो हिल स्टेशन नहीं है, वो वहां जो जाता है उसका काम बन जाता है। जब वो आता है उसकी तरक्की देखकर पड़ोसी दौड़कर जाता, भाई कौन सी लॉटरी लग गई? वो कहता, अरे पगले मुझे लॉटरी नहीं लगी, मुझे बाबा मिल गया। कौन सा बाबा? अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, अगली बार जब मैं जाऊंगा तो चलना मेरे साथ। अब जिसको कह दिया कि अगली बार मैं जाऊंगा, 30 दिन कटे नहीं कटे उसे, 30वें दिन जैसे ही 11 आई वो पहुंचा, भैया मुझे ले जाओगे? हाँ ले जाऊंगा। हाथ पकड़ कर ले गया, उसके साथ 2 लोग और चले गए। पहली बार अकेला गया था, दूसरी बार 4 लोग गए और उसके बाद उन 4ों का काम बन गया। अब की बार जब वो गए तो अकेले नहीं गए, बस भर भर के जाने लगी। कल जब मैं खाटू श्याम जी से नौखा आ रहा था तो नौखा के प्रेमी लोग मेरे साथ में थे, यही मुझे लेकर आए। इन्होंने कहा कि नौखा से हमारे 200-250 गाड़ियां खाटू जाती है और कोई भी पैसा नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट भक्तों को लेकर जाती है। पता है क्यों वो पैसा क्यों नहीं लेते? क्योंकि 5,000 का तेल बलता है ना, 5,000 का तेल बलता है, 50 लाख की कृपा साथ में आती है। इसीलिए कहा बाबा, सोच ले तू भक्तों का पलड़ा सदा रहा है भारी और कर कृपा। 30 साल पहले तू 11 को भी चैन से सोता था, आज देख ले तूने लोगों पर कृपा बरसानी शुरू कर दी। फागुन मेले में पहले 10वीं 11 सारी रात खुलता था, उसके बाद 9वीं 10वीं 11 और आजकल 5वीं से सारी रात तुझे बैठा देते हैं, सोने नहीं देते बाबा। और इस बार पहली बार हुआ, इस बार सावन में पहली बार हुआ कि 9वीं 10वीं और 81 तीनों रात बाबा का मंदिर नहीं बंद हुआ, तीनों रात 72 घंटा बाबा जगता रहा। इसीलिए कहा बाबा जल्दी जल्दी काम बना दे वरना सब भक्तों को बहका देंगे तेरा नाम ही लेंगे। हो बाबा तेरा नाम ही लेंगे बाबा,
सोच ले तू भक्तों का पलड़ा, सोच ले तू भक्तों का पलड़ा सदा रहा है भारी रे। पूरे हाथ उठा लो पूरे पूरे और जोरदार तालियां बजाकर बोलना, ओ श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारे रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारे रे, श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा। दानी होकर तू चुप बैठा ये कैसी दातारी रे, दानी होकर तू चुप बैठा ये कैसी दातारी रे, ओ श्याम हारे के सहारे की।